आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर गुड़ पाक। इस गुड़ पाक को डेली एक पीस खा लेंगे तो सर्दी खांसी जुकाम छू नहीं पाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जिन लोगों को मीठा खाना बहुत ही पसंद है उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसको हम गुड़ से बनाएंगे। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगी ये गुड़ पाक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये हेल्दी टेस्टी गुड़ पाक रेसिपी। इंडक्शन पे पैन को रखा गर्म होने के लिए। पैन गर्म हो गया है। 20 काजू लिया है, 25 बादाम लिया है, 20 अखरोट लिया है। पैन में ऐड करते हैं। लो टू मीडियम आंच पर 3-4 मिनट तक भून लेते हैं। चलाते हुए लो टू मीडियम आंच पर 3-4 मिनट तक भून लिया है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। एक बाउल मखाना ऐड करते हैं। बराबर चलाते हुए लो टू मीडियम आंच पर 3-4 मिनट तक भून लेते हैं। मखाने को बराबर चलाते हुए भून लिया, प्लेट में निकाल लेते हैं। एक कटोरी मूंगफली ऐड करते हैं। लो टू मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए 3-4 मिनट तक भून लेते हैं। इसको बराबर चलाते हुए भून लिया है, अच्छे से भून गई है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। एक कटोरी फ्लैक्स सीड तीसी ऐड करते हैं। लो टू मीडियम आंच पर 3-4 मिनट तक भून लेते हैं। 3-4 मिनट तक बराबर चलाते हुए भून लिया है, अच्छे से भून गई है। तीसी चटकने लगी है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। दो टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून खसखस ऐड करते हैं। एक कटोरी तिल ऐड करते हैं सफ़ेद। लो टू मीडियम आंच पर 2-3 मिनट तक भून लेते हैं। बराबर चलाते हुए लो टू मीडियम आंच पर 2-3 मिनट तक भून लिया है, अच्छे से भून गया है। प्लेट में निकाल लेते हैं। एक कटोरी नारियल का पाउडर ऐड करते हैं। लो टू मीडियम आंच पर 2-3 मिनट तक भून लेते हैं। नारियल पाउडर को बराबर चलाते हुए भून लिया है, प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करते हैं। आधा कप गेहूं का आटा ऐड करते हैं। लो टू मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए खुशबू आने तक भून लेते हैं। बराबर चलाते हुए आटे को भून लिया, अच्छी खुशबू आने लगी है, कलर चेंज हो गया है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सभी ड्राई फ्रूट को भून कर तैयार कर लिया है। जार में ऐड करते हैं। सभी ड्राई फ्रूट को अलग अलग पीस लेते हैं। कढ़ाई को रखा गर्म होने के लिए। गर्म हो गई, आज को धीमा रखा है। 1 चम्मच देसी घी ऐड करते हैं। 1 किलो गुड़ ऐड करते हैं। 2 टेबलस्पून पानी ऐड करते हैं। धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ को बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर मेल्ट कर लिया है। मिक्स ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं। पिसा दरदरा पिसा हुआ तीसी पाउडर ऐड करते हैं। दरदरा पिसा हुआ तिल, सौंफ, खसखस ऐड करते हैं। दरदरा पिसा हुआ मूंगफली ऐड करते हैं। दरदरा पिसा हुआ मखाना ऐड करते हैं। नारियल पाउडर ऐड करते हैं। भुना हुआ गेहूं का आटा ऐड करते हैं। दो चम्मच सोल्ट पाउडर ऐड करते हैं। 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करते हैं। कद्दूकस करके जायफल ऐड करते हैं थोड़ा सा। सभी चीज़ों को धीमी आंच पर मिक्स कर देते हैं।
एक चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, 2 मिनट तक बराबर चलाते हुए पका लेते हैं। 2 मिनट तक बराबर चलाते हुए पका लिया है, इंडक्शन ऑफ कर देते हैं। गुड़ की बर्फी बनकर तैयार हो गई है, इसे थाली में निकाल लेते हैं। थाली को घी लगाकर ग्रीस कर लिया है, थाली में ऐड करते हैं। चम्मच से फैला लेते हैं। चम्मच से फैलाकर सेट कर लिया है, 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए। बादाम से गार्निशिंग कर लेते हैं। बर्फी को पीस में कट कर लेते हैं। बर्फी को पीस में कट कर लिया है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी गुड़ ड्राई फ्रूट बर्फी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।